दोस्तों यूपी में आ रहा है 83,000 करोड़ से अधिक का निवेश। योगी सरकार के इस फैसले से मिलेगा लाखों लोगों को रोजगार। जी हां, आपको बता दें, औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा ने विभिन्न जनपदों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव निवेशकों से प्राप्त किए हैं। इन निवेश प्रस्तावों में से 83,000 करोड़ रुपये के आशय पत्रों MOU हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इन MOU को 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टेड समिति के दौरान सम्मिलित रूप से किया जाएगा, जिससे जल्द ही निवेशक कंपनी द्वारा परियोजनाओं को क्रियान्वयन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, यूपी सीडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CIO मयूर महेश्वरी ने बताया कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयास कर रही है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यूपी सीडा के वरिष्ठ अधिकारियों को नौ टीमों का गठन कर प्रथम चरण में प्रदेश के 22 जनपदों में निवेशकों एवं उद्यमों के साथ निवेश बैठक आयोजित की गई। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए गोष्ठी में निवेशकों के साथ AMOU पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, प्राइवेट इंटरलेस्ट पार्क, वेयर हाउसिंग, पेपर उद्योग, मेडिकल क्षेत्र, बायोफ्यूल, खिलौना उत्पाद, डेटा सेंटर, IT, इलेक्ट्रॉनिक आदि क्षेत्रों में इकाई स्थापना के लिए अपनी रुचि दिखाई गई है। यूपी सीडा प्राधिकरण के CIO मयूर महेश्वरी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्ट समिति 2023 से पूर्व प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित कर प्रदेश के अन्य जनपदों में निवेश गोठित कर दिया गया है। साथ ही सरकार की अन्य विशेष नीतियों का प्रचार प्रसार, नीतियों के अंतर्गत निवेश कराते हुए अधिक से अधिक रोजगार सर्जित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, यूपी सीडा ने जो MOU किए हैं उनकी स्थापना के बाद हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जो मुख्य MOU हुए हैं उनमें गाजियाबाद में ग्रुप कर्ज नेटवर्क द्वारा 10,000 करोड़ के निवेश से प्राइवेट पार्क स्थापित करने पर 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह गौतम बुद्ध नगर में मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप द्वारा 8,000 करोड़ के निवेश से लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस पार्क स्थापित करने से 1,000 लोगों को नौकरी मिलेगी।